सो ही गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर व्लॉग। नाउ गाइज आज प्रॉपर अपना व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। सो गाइज ये है मेरे घर पर सेकंड वाला दिन। सो आपको पता ही होगा कि नवरात्रि स्टार्ट है, कितनी नवरात्रि बची हुई है इसको कुछ नहीं पता, दो तीन नवरात्रि बची हुई हैं। सो गाइज बस ना अभी हम सुबह उठ गए थे हम 5 बजे, उसके बाद में बस नहा धो के अब रेडी वेडी होना है हमको और हम परमाड़े जाना है आपके और आपको भी दर्शन कराएंगे भाई। चलो चलते हैं गाइज, ठीक है। मैं कुन्ना राहुल और एक लड़का और आ रहा है, हम चारों जाएंगे। चलो अरे बॉडी छोड़ी मत दिखा यार, पागल पागल लेके तू भाई। यहाँ की जो अपने घर की जो मॉर्निंग होती है ना भाई, वो तो इतनी सुंदर होती है भाई, मत बोले यार ब्लॉक डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो गाइज जस्ट अभी हम उठे थे और मॉर्निंग दादी सुबह सुबह भाई सब लोग उठ जाते हैं, इतना अच्छा लगता है सुबह उठ कर। चलो अब नहा धोते हैं, रेडी वेडी होते हैं। पोज करना कुन्ना, पोजिंग कर तेरी बॉडी का। पब्लिक डर जाएगी यार, मत हो गाइस। जाने से पहले थोड़ा वर्कआउट कर लिया जाए। चलो गाइस बहुत है आज के लिए। चलो गाइस ये हो चुके हैं अपन रेडी। ये हो कुन्ना मोटा यार, अनगस कस का देखो कुन्ना, रेडी है तू? सो गाइस हम जा रहे हैं बाइक से, ये रहा राहुल। बैठ जाओ और अभी गाइस अपन को बाहर काम करना है भाई। बाहर का जितना 3 सेट में सामान रखा हुआ है ना, वो पूरा सामान हटा के उधर साइड में रखना है क्योंकि शायद आज लाइट वगैरह लगेगी। सो भाई सीन ऐसा है, ये जितना पूरा सामान रखा हुआ है ना, ये जितना पूरा कपड़ा टाइप का रखा हुआ है, मतलब कपड़ा नहीं है पर लेकिन जितना सामान रखा हुआ है, ये पूरा सामान अपन को यहाँ से ट्रांसफर करना है उधर, जो उधर अपन पुराने घर बने हुए हैं ना उधर अपन ट्रांसफर करना है पूरा सामान। अब यहाँ से पूरा उठाना है, उधर साफ करना है क्योंकि यहाँ पर ही है ना पूरा जो मेन प्रोग्राम होगा अपना, तो यहाँ पर होने वाला है। पता नहीं है मेरे को उधर होगा या इधर होगा पर लेकिन इधर ही कहीं होगा। तो ये वाला मेहमान वगैरह आएंगे तो उनको अच्छा लगना चाहिए ना, इसलिए अपन बिल्कुल पूरा साफ कर लेते हैं। गाइस ये देखो कितना मेहनती बच्चा है, गुड बॉय कुन्ना गुड। अबे यहीं रख दे उनको, तो यहीं रख दे। गाइस आपको मैं ना एक क्यूटी पाई से मिला था हूँ, ये चेक करो। आपको उनको मैं तो दिखाया नहीं यार। पीकू अब बोल, तू क्या बोल रही थी बोलो भाई। इतनी खतरनाक लड़की है ना ये भाई, इतनी रोती है मेरे पास आती रही। पता नहीं क्या बोल रही है, क्या बोल रही है तू, क्या बोल रही है? ब्रु ब्रु करी ब्रु ब्रु सबसे डिफिकल्ट काम है भाई साहब इस वाले बक्से को और यहाँ पर रखना, कम से कम इसमें ना कम 100-150 किलो तो वजन होगा भाई। और हम तीनों भाई इसको उठाकर यहाँ जमा रहा है, पता है इसको खांसी लाएगा इसे हम उठाकर इधर से, वो देखो सामने से यहाँ से इस जगह रखा हुआ था ये वाला बक्सा। और तो देखो मम्मी वगैरह लगी हुई साफ सफाई में और अभी गाइस तो शुरुआत है, अभी तो पूरी साफ सफाई करनी है अच्छे से। और इस वाली अलमारी में पूरा सामान जुटा हुआ है, पहले यहाँ पर रहते थे ना, तो इसमें पूरा मतलब जितना जो बेस्ट सामान था पूरा प्रोडक्ट इधर जमा दिया हमने। अब ये वाला पूरा बक्सा इधर जमाना है हमको। गाइस मैं ना जस्ट अभी ना अपनी मेडिकल शॉप बंद करके आया हूँ
और यहाँ पर भाई पता है क्या बोलते हैं, जो नवरात्रि होती है ना हर साल, तो हर साल क्या बोलते हैं बाहर से ऑर्केस्ट्रा वगैरह आती है, और हर साल है ना क्या बोलते हैं यहाँ पर हमारे कराल में प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं भजन संध्या के, और राम और रामलीला भी स्टार्ट है, तो वो तो क्या बोलते हैं दशहरा तक चलती है। और गाइज हमारे जस्ट पीछे गार्डन में क्या बोलते हैं प्रोग्राम होने वाला है आज, और जो नोना सरकार वाले महाराज जी हैं वो भी आएंगे, तो बस आज दिखाने के लिए चलते हैं, और आपको व्लॉग में ही थोड़ा दर्शन करा देंगे उनका, थोड़ा जो ऊपर का जो व्यू रहेगा वो दिखा देंगे। मेरे साथ गाइस जो व्लॉग शूट हो रहा है इनका बिनो के वही सो रहा है, तीन दिन फ्लैश लाइट जला रखी है भाई फोन की। मनीष भाई 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 इतने महीनों बाद आपको कैसा लग रहा है तुम्हारे ब्लॉग में हम तो दिखाते हैं आपको। गाइस वो खतरनाक सीन होने वाला है यहाँ पर, काली माँ का एकदम भयानक नृत्य होने वाला है यहाँ पर। तो अभी गाइस आ चुके हैं अपन घर पे भाई, इतने दिनों बाद इतने महीनों बाद ये वाला प्रोग्राम दिखा है तो अच्छा लगा देखने के बाद। अभी क्या बोलते हैं 2 बजने वाले हैं घड़ी में, अच्छा लगा प्रोग्राम, ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, गुड नाइट गाइस बाय।